नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रामसर स्थल क्या है, आर्द्रभूमि क्या है और भारत में सभी रामसर स्थल की सूची पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं रामसर स्थल किसे कहते हैं। रामसर स्थल वे आर्द्रभूमियाँ हैं जिन्हें संरक्षण एवं उपयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त होता है। तो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त होता है संरक्षण के लिए और उपयोग के लिए। आर्द्रभूमि क्या है? नमी या दलदली वाली भूमि को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहते हैं। तो जिसमें नमी या दलदल होता है तो उस भूमि को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। इसमें शामिल है आर्द्र भूमि के अंतर्गत दलदली भूमि, झीलें, लैगून, तालाब, डेल्टा, बाढ़ वाले मैदान, प्रवाल भित्ति, ये सभी शामिल होते हैं। आगे देखते हैं आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कौन और क्यों देता है। आर्द्रभूमि के स्थायी संरक्षण और उपयोग के लिए यूनेस्को के नेतृत्व में 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो कब किए गए? 2 फरवरी 1971 में जो रामसर शहर था ईरान का, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह संधि 21 फरवरी 1975 को लागू हो गई और इसे रामसर संधि के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ये रामसर स्थल बोले जाते हैं। और क्योंकि ये जो संधि हुई थी वो रामसर शहर में हुई थी, ईरान का जो शहर है, कब? 2 फरवरी 1971 में हुई थी। तो 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। इसमें रामसर स्थलों की जो संख्या है वो है 2500 के लगभग। और सर्वाधिक रामसर स्थल वाला जो देश है वो है यूनाइटेड किंगडम, जिसमें 175 रामसर स्थल है। रामसर स्थल में शामिल होने वाला जो पहला आर्द्रभूमि है वो है कोबोर्ग प्रायद्वीप, जो ऑस्ट्रेलिया में है। कोबोर्ग प्रायद्वीप रामसर स्थल में शामिल होने वाली पहली आर्द्रभूमि है। भारत में जो रामसर स्थल की संख्या वो है 47। अब इनको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे कि 47 रामसर स्थल कौन कौन से हैं। भारत के पहले रामसर स्थल है चिल्का झील, जो 1981 में रामसर स्थल में शामिल हुई। और भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, जिसमें 9 रामसर स्थल हैं। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल है सुंदरवन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में है। ये किस में आता है? आर्द्रभूमि स्थल में आता है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल है रेणुका वेटलैंड, जो हिमाचल प्रदेश में है। सबसे छोटा है वो रेणुका वेटलैंड और सबसे बड़ा है आर्द्रभूमि वो सुंदरवन का डेल्टा। भारत का पहला कृत्रिम मातृभूमि स्थल है वह है हैरी के बैराज, कहाँ? पंजाब में। दोस्तों कृत्रिम है ये मातृभूमि स्थल हैरी के बैराज पंजाब में। चलिए हम अब सूची पढ़ते हैं जो 47 भारत में कौन कौन से रामसर स्थल हैं। तो सबसे पहला है चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। ये 1981 में रामसर स्थल में शामिल हुए। तो 1981 में 2 रामसर स्थल में शामिल हुए हैं, एक तो चिल्का झील जो उड़ीसा में है, दूसरा है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में है। दोस्तों आगे 1990 में 4 शामिल हुए हैं रामसर स्थल में, कौन कौन से? एक लोकतक झील जो मणिपुर में है, हरि के झील पंजाब में, शांभर झील राजस्थान में और वुल्लर झील है जम्मू कश्मीर में। दोस्तों 2002 में लगभग 13 रामसर स्थल शामिल हुए हैं भारत के। तो वो हैं अष्टमुदी जो केरल में है, भित्तरकनिका मैंग्रो उड़ीसा में, भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में, दीपोर भील असम में, पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल में है, कांजली है पंजाब में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव पक्षी अभयारण्य है तमिलनाडु में, पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध झील है हिमाचल प्रदेश में, रोपड़ आर्द्रभूमि पंजाब में, शास्तंभ कोटा झील है केरल में और तसो मोरिरी और यह है लद्दाख में। आगे है वेमनाद कोल आर्द्रभूमि, ये केरल में है। तो दोस्तों ये थे 13 जो 2002 में रामसर स्थल में शामिल हुए थे 2002 में। आगे चलते हैं 2005 में 5 रामसर स्थल शामिल हुए हैं, वो है चंद्रताल आर्द्रभूमि जो हिमाचल प्रदेश में है, होकेरा आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर में, रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में और रुद्र सागर झील है जो त्रिपुरा में है और सूरी नरसर मानसर झील है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सूरी मानसर झील।
आगे चलते हैं, हम बाकी के पढ़ते हैं। नल सरोवर है जो गुजरात में है और 2012 में रामसर स्थल में शामिल हुआ। दोस्तों 2019 में लगभग 11 रामसर स्थल शामिल हुए हैं, वो देखते हैं कौन से हैं। ये है सुंदरवन आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल में, नांदूर मध्यमेश्वर महाराष्ट्र में है, केशवपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व ये पंजाब में है, व्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब में, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, शमान पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, शांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, सरसई नवीन चीन उत्तर प्रदेश में है, ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों हमने पहले पढ़े थे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं, वो कितने हैं, 9 हैं। दोस्तों 2020 में 6 रामसर स्थल में शामिल हुए हैं, वो देखते हैं कौन से हैं। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में, आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में है, कंवर ताल बिहार में, लोनार झील महाराष्ट्र में, सूर सरोवर किठम झील उत्तर प्रदेश में, तसोकर आर्द्रभूमि परिसर वो है लद्दाख में। ये थे 6 जो रामसर स्थल की सूची में शामिल हुए 2020 में। आगे देखते हैं 2021 में दोस्तों 5 शामिल हुए हैं। फूल झील वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है, वाधवाना वेटलैंड गुजरात में, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य ये हरियाणा में है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी हरियाणा में है, जो हैदरपुर मातृभूमि है वो उत्तर प्रदेश में 2021 में। तो दोस्तों ये थे भारत में 47 रामसर स्थल की सूची। आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।